दोस्तों आज हम हैं गुड़गांव की गुरुग्राम की सेक्टर 56 की हुडा मार्केट में, जहां पर मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश डो वाला पिज़्ज़ा, और वो भी ओरिजिनल ओवन, वुड ओवन में, ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा जिसे कहते हैं हम, वो है ये। नॉर्मल मशीन वाला पिज़्ज़ा नहीं है ये ब्रिक ओवन वाला है, जो ईंटों से बना एक ओवन होता है ना, उस टाइप का ये पिज़्ज़ा है। और ये फ्रेशली डो बनाते हैं अपने, और ये होल वीट आटे का बनता है, ये देख सकते हो। इसे बहुत ज़्यादा पतला थिन कर देते हैं, ये थिन करने के बाद इसे पहले ओवन में डालेंगे, देन उसके बाद इसे थोड़ा सा पकाएंगे, देन उसके बाद इस पर सारा जो भी इस पर आइटम्स होते हैं, चीज़ वगैरह और वेजीज वगैरह, वो सब इस पर डाली जाती है। तो देखो, सबसे पहले इसे ओवन में डाल के इसे थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे, ताकि कच्चा ना रहे। ये देख सकते हो, ये लग गया है, डो कितना पतला है, बिल्कुल एकदम थिक, रोटी जैसे हम चपाती खाते हैं ना, उसी टाइप से है ये। ये इन्होंने अंदर डाल दिया है, अंदर लकड़ियाँ भी हैं आप देख सकते हो। तो ये लकड़ियों से बना हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है, ये आप खा सकते हो। और ये हुडा सेक्टर की मार्केट में है, 56 की मार्केट में, और इसके प्राइस जो हैं बहुत रीज़नेबल हैं। और ये 6 कट पिज़्ज़ा होता है, ये आप देख सकते हो, इन्होंने अंकल ने डाला है, ये किसी का बन रहा है पहले से। अभी हम वो भी दिखाएंगे जो ये इसके ऊपर टॉपिंग्स वगैरह डालेंगे, वो सब इसमें दिखाने वाला हूँ मैं। जब भी आप हुडा सेक्टर आएँ, इनका ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा होता है, ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा दिया जिसे बोलते हैं। और ये ऑथेंटिक, मतलब इटालियन, इटली वगैरह आप जाओगे ना, वहाँ पर इसी टाइप के पिज़्ज़ा मिलते हैं, मोटे बेस वाले पिज़्ज़ा नहीं मिलते, बहुत पतला बेस है इस पिज़्ज़ा का। और ये सब इसमें क्या क्या मिलता है सब लिखा है। ये देखो, अब हमारी ब्रेड निकल गई है, और अब इसके ऊपर ये टॉपिंग्स वगैरह डालेंगे। पहले थोड़ा सा इस पर बटर लगाएंगे, देन उसके बाद इस पर पिज़्ज़ा टॉपिंग्स डालेंगे। ये देख सकते हो, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स आ गई है, और ये बिल्कुल आपको तंदूरी रोटी जैसे होती है ना, वैसी नान की तरह लग रहा है देखने में। और ये बहुत लाइट है, बहुत, मतलब इसे एक बंदा आराम से खा सकता है, ये इतना, मतलब लाइट पिज़्ज़ा है। ये चीज़ वगैरह आ गया है इस पर, ये कुछ प्याज, ये कैप्सिकम, और ये पनीर। तो देखो दोस्तों, ये हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है, दिखने में कितना कलरफुल और कितना अच्छा लग रहा है, और इसे एक बंदा ईजिली खा सकता है। और इसके प्राइस हैं 300 रुपीज़। ये है पनीर पिज़्ज़ा हमने जो लिया था। आगे की मैं आपको मेकिंग इसलिए नहीं दिखा पाया, थोड़ा सा वो सीक्रेट मेकिंग थी, तो अंकल ने वो वीडियो अलाउ नहीं करा बनाने के लिए। बाकी आप ये देख सकते हो, पिज़्ज़ा बन के बहुत अच्छा लग रहा है, तैयार है, और 6 कट पिज़्ज़ा है, नॉर्मल पिज़्ज़ा से अच्छा है। डोमिनोज का एक नॉर्मल अगर पिज़्ज़ा लेंगे तो वो भी आपको 110-120 रुपये का मिलता है, बट ये पिज़्ज़ा आप खाओ, हेल्दी भी है और ईजिली आप इसे खा सकते हो। ये देख सकते हो चीज़ कितने बढ़िया है इसमें, और सच कहूँ मुझे तो खा के इसमें बहुत मज़ा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें, जब भी आप थोड़ा मार्केट आएँ, गुरुग्राम की सेक्टर 56 की मार्केट में, जब भी आप आएँ इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।